स्कूली शिक्षक भर्ती 2021 में 50,000 लोगों की पदों की मांग आप कर रहे हो, 21,000 से बढ़ाकर 50,000 की। साथियों, आपके कई साथी आए हुए हैं जिनकी संख्या 10 से 12 है, ज़्यादा नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश, पिछले 51 दिन से आंदोलन चल रहा है राजस्थान, और आपके साथी मेरे हिसाब से 20-25 दिन से वहाँ बैठे हुए। सरकार वहाँ जाग जाती तो क्या हमें लखनऊ आना पड़ता? कई लोग सोच रहे हैं कि हम जयपुर में आंदोलन करें, जयपुर में मरी सुन लेंगे। जयपुर में प्रयोगशाला सहायक वाले बैठे हैं, जयपुर में पंचायत सहायक वाले बैठे हैं, जयपुर में संविदा कर्मी बैठे हैं, सरकार किसी की भी नहीं सुन रही। हम पिछले 7 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 7 दिन में पूरे देश में मामला हाईलाइट हुआ है, प्रियंका गांधी जी तक मामला पहुँचा है। और रही बात, पहले हमारी वार्ता इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि पहले उनको लगा कि बीजेपी के द्वारा प्रायोजित यह आंदोलन है। अब उनको पता लगा, जो वीडियो तस्वीरें हमने दी तो उनको पता लगा कि हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, मामला पॉजिटिव हुआ। अब प्रियंका गांधी जी कभी भी लखनऊ कांग्रेस कार्यालय आ सकती है, लेकिन वो आएगी तो यहाँ भीड़ होनी चाहिए। 50,000 की जो मांग कर रहे हैं, हालांकि साथियों दो ग्रुप बने हुए, 50,000 के साथ नई भर्ती भी आए, 50,000 पदों पर ये भर्ती हो और भविष्य में एक और नई भर्ती है, इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। लेकिन 50,000 आए तो हमें लाभ मिले, क्योंकि सबको पता है पेपर लीक हुआ था, जगह जगह गया था, बहुत लोगों के पास गया था। CBI की मांग हमने की भी थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। लेकिन कई लोग कह रहे 50,000, क्योंकि वहां भी लोगों का समर्थन मिलता, लोग आते, साथ देते। 14 अक्टूबर से मैं अनशन बैठा, कोई नहीं आया, बहुत इंतजार किया, एक अभ्यर्थी नहीं आया, तब मजबूरी में CBI की मांग हटानी पड़ी थी। आपके लोगों ने कहा कि CBI की मांग तो नहीं, कम से कम पद बढ़ा दीजिए, जिससे जिन लोगों के पास पेपर बिका खरीदा, जिस पास गया है, कम से कम योग्य अभ्यर्थी कुछ पॉइंटों से नंबरों से रह जाएंगे, हमारे साथ गलत हो गए, इसे पदों की संख्या बढ़ाई है। आप लोगों ने अभियान चलाया, मैंने पूरा सपोर्ट किया, धरना स्थल पर बिठाया, यहाँ तक लेके आया। लेकिन साथियों, आपका सपोर्ट मिलेगा तो आपकी पदों की संख्या बढ़ेगी, आपको न्याय मिलेगी, अन्यथा वो CBI की मांग करने वाली जो हालत आपकी हो जाएगी, आपका भी मुद्दा खत्म हो जाएगा। आप अपना भविष्य बनाना चाहते हो और मांग पूरी करवाना चाहते हो तो घरों से निकलिए, बस और ट्रेन में बैठिए, लखनऊ पहुंचिए। आप समझिए जयपुर धरने पर जा रहे हो, क्योंकि जयपुर धरने का अब औचित्य नहीं रहा, वहाँ कई धरने चल रहे, सरकार किसी की नहीं सुन रही। यहाँ आने के बाद लगातार नेशनल 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे आप मैथ का सवाल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 800 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मीडिया पर अपना मामला छा रहा है, हालांकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आपकी वार्ता, यहाँ के पदाधिकारी बहुत आते हैं वार्ता करने के लिए, लेकिन हम जिद पे पड़े हैं कि हम प्रियंका गांधी जी से ही मिलेंगे, आज नहीं तो कल प्रियंका गांधी जी से मुलाकात होगी, तो हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि संख्या हमारी थोड़ी सी और होती तो अभी तक प्रियंका गांधी जी दिल्ली से आके मिल लेती, कल मुरादाबाद में आई थी, वापस निकल गए, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे तो कम से कम यहाँ भीड़ होनी चाहिए। तो जो 50,000 भर्ती की मांग कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कल आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो उपेन यादव को दोषी मत ठहराना, फिर दोषी मत ठहराना, फिर इसके जिम्मेदार आप होंगे, अपना भविष्य खराब आप करोगे। मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको लास्ट मैसेज दिया है, यदि आप अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हो तो घर से निकलिए बस और ट्रेन में, और लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंच जाओ, यहाँ टेंट लगा हुआ है, रुकने की व्यवस्था है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और प्रियंका गांधी जी अब कभी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ चुनाव है, वो कभी भी आ सकती है, तो आते ही सबसे पहले हमसे मिलेगी, और हमसे मिलेगी तो संख्या का भी बड़ा महत्व है लोकतंत्र। अभी संख्या आपकी 10-12 है, 10-12 लोग यहाँ हो और मांग कर रहे हो 50,000 की, आप सोचिए कितनी चिंताजनक बात है। और यही स्थिति थी 10-12 की, तो फिर मुझे दोषी मत ठहराना, फिर आपकी मांग भी हटा देंगे, फिर हमें मत कहना कि हमारा साथ नहीं दिया, फिर जो CBI वाले जो मांग करने वाले के जो असर हुए थे वो आपका असर होगा, फिर दोषी मत ठहराना, भूपेन यादव ने साथ दिया था, हमारी मांग उठाई थी और कुछ नहीं, जो आपने संघर्ष किया 20-25 दिन आप संघर्ष मार्ग में बैठे और 2-4 अब 7 दिन से आपके लोग यहाँ बैठे, उनकी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए सोचिए समझिए, अपने भविष्य के लिए कुछ दिन निकाल कर लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंची है, टेंट लगाओ, पूरी सुविधा, कभी भी प्रियंका गांधी जी आ सकती है और कभी भी हमारी मुलाकात हो सकती है, और अच्छी संख्या रहेगी, आपकी भीड़ रहेगी तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी, आपका सपना भी साकार होगा।
आपको पता है जब मेरी बात हुई थी पहले शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि हम नई भर्ती निकालेंगे। ये तो निश्चितता नई भर्ती हो रहेगी, लेकिन पदों की संख्या बढ़े यह निश्चित करवाने के लिए और आपको न्याय मिले, आपका सपना साकार हो, इसलिए हम संघर्ष करें। लेकिन संघर्ष तब कामयाब होगा, आप आओगे साथ दोगे। इसलिए लास्ट बार मेरी अपील है, घर से निकलिए और जब पीछे सीधा लखनऊ से मिले तब तो आपका सपना साकार होगा। फिर किसी को दोष मत देना कि आपकी मांग नहीं मानेगी, इसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। धन्यवाद।